गाइज आपको एक चीज दिखानी है, ये व्लॉग में बहुत ही अमेजिंग चीज दिख रही है हमें, इंडिया लास्ट विलेज। गाइज देखो हमसे मिलने कौन आया है, सब सरप्राइज दिखा दे सबको, हम कहाँ रहने वाले हैं। नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। अबे यार पंगा ये, इनको उतारेंगे कैसे अब। गाइज आपको एक चीज दिखानी है, ये व्लॉग में बहुत ही अमेजिंग चीज दिख रही है हमें, जो हमने कभी नहीं देखी, आपने भी शायद कभी नहीं देखी होगी। ये देखो ये फोटोग्राफी हो रही है यहाँ पे। सतिंदर ने देखी कभी ये चीज? सतिंदर कहाँ गई? पहली बार देखा रही। देखी कभी ये चीज? नहीं। तब तो गाइज आप लोग देखो, 1, 2 and 3 वो देखो गाइज, रेनबो। अभी ये काफी डार्क था, लाइट हो रहा है। हाँ। खत्म हो रहा है, देखो धीरे धीरे। ये देखो और वो चीखी और हाथ, और वो देखो वो देखो सामने स्नो पहाड़ों के ऊपर। ये स्ट्रीम नदी आ रही है और ये जम गई, और वहां से नदी आ रही है और ये जम गई है। गुनीत ने बताइए भैया, गुनीत ने बताइए ये। और ब्रॉडी बनी पीछे बैठे, ब्रॉडी बनी पीछे बैठे। और अभी हम ना बस पहुंचने वाले हैं अपने होटल, होटल या क्या है जो भी है, बहुत अच्छा सरप्राइज है, मजा आ जाएगा। हम लोग उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे किसी ऐसी जगह पे स्टे करने की, तो हम लोग बहुत उस सरप्राइज से पहले एक और सरप्राइज मिल गया। हाँ, ये देखो धीरे धीरे जा रहा है वो। चलो चलो बैठो बैठो बैठो, अब गाइस सीधा आपको होटल में मिलेंगे। हाय हाय, ये क्या खींचा फोटो भाई, खींच रही है अभी जगह लगी। वो देखो खड़ा होके जा रहा बाइक पे, बाइक पे खड़ा होके जा रहा है। हाँ, एक्चुअली वो अपनी बाइक की सनरूफ से बाहर निकला हुआ है। कितना यार करता ज़्यादा गाइस, तो कर रहा है वो। गाइस देखो अपनी बाइक की सनरूफ से बाहर निकला, अंदर चला गया लेकिन। हाँ, अबे ये अंदर इतनी देर से बाहर निकला हुआ था। कहाँ जन्नत में आ गए यार। गाइस जितना मैंने वीडियो में देखा है उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा, अमेजिंग चीज है, रियलिटी में लगता है। आ गए गाइस, देखो हम चितकुल पहुंच गए हम, जो कि है बसपा रिवर कैंप चितकुल, इंडिया लास्ट विलेज। गुनीत क्या कर रहे हो? वॉच ढूंढ रही थी। टोपा पहन के इतनी प्यारी लग रही है, टोपू राम। ए उतारा क्यों, इतनी प्यारी लग रही थी। चलो चलेगा, ये बोर्ड हम यहाँ पे फोटो खिंचाने आए थे, गुनीत उतर नहीं पा रही। गुनीत कह रही यहाँ से मुझे डर लग रहा है, देखो डर ही लगता रहता है। गाइस देखो हमसे मिलने कौन आया है, क्या नाम है आपका, आपका क्या नाम है, साथ क्या नाम है? मेरे को एक दो तो बड़े अच्छे लगते हैं, ये इतने सारे गोरी गिरी हुई है, मैं पहली बार। हाँ कुछ नहीं कह रहा वो, बोली जाते शाउट नहीं करते, वो डर जाएगा, वो डर के काट लेगा। हाँ क्यों ऐसा, इस बात का भी ध्यान रखना होता है, डर सिर्फ आपको नहीं लगता उनको भी लगता है। गाइस हम जिस जगह पे आए वहाँ इतने सारे डॉग्स हैं, अब ब्रॉडी बनी का, ब्रॉडी बनी का क्या होगा कुछ नहीं पता। हम पहले गाइस अभी बैग यहीं छोड़ के जा रहे हैं, ब्रॉडी बनी को भी यहीं छोड़ रहे हैं, अभी आके हम देखेंगे पहले। सुगनीत सब सरप्राइज दिखा दे सबको, हम कहाँ रहने वाले हैं। हम लोग रहने वाले हैं, हम आ गया, हम लोग रहने वाले हैं टेंट में, डोम में, डोम में। ये देखो गाइस ये रहा हमारा डोम, हमारा नहीं है किसी और का भी हो सकता, बट ऐसे में रहेंगे। हाँ अभी हमें खुद को नहीं पता कौन सा डोम है। हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। डोम में कौन बोल रहा है ड्रोम? मम्मा डोम में रहने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हाँ, तो ये है वो डोम जिसके के अंदर हम रहने वाले हैं, लेकिन एक मुसीबत होगी, इतने सारे डॉग्स हैं, मेरा वही जो मोटिव होता है ब्रॉडी बनी को खुला कहते हुए आ रहे थे पूरे रास्ते, डॉग्स नहीं होने चाहिए, डॉग्स नहीं होने, डॉग्स हो लेकिन फ्रेंडली हो, दोस्ती हो जाए, लेकिन इतने सारे डॉग्स के साथ दोस्ती होना मुश्किल है, कोई ना कोई तो अग्रेसिव निकल ही आता है। तो अब फिर से वही बात है। हाँ ये है कि हम उधर दूर दूर कहीं ले जाएंगे, वहाँ खुला छोड़ देते हैं, जैसे कि हमने वहाँ पे करा था, वहाँ पे तो करते ही थे, दूर ले जाएंगे इनको।
अभी निकाल के देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है, क्या ये लड़ते हैं कि नहीं लड़ते। तो अभी हमने बुलाया ये प्रॉपर्टी के जो ओनर है, जो भी टेक केयर कर रहे हैं यहाँ की, उसको बुलाया है, वो हमें बताएगा यहाँ पे खाना वाना कैसे लाएंगे, हमारा डोम कौन सा है लाएंगे हमने कर रहे हैं। तो ये गाइस प्रॉपर्टी का नाम है पनाश इको वर्ल्ड के नाम से है ये डोम्स चितकुल में। आप पनाश इको वर्ल्ड ढूंढोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और सर्विस कैसी होगी वो हम आपको बताएंगे, सर्विस वगैरह वो सब कैसा एक्सपीरियंस हमारा रहता है वो हम आपको बाद में बताएंगे। और ये देखो यहाँ पर ये टेंट भी लगे हुए हैं कैंपिंग के लिए, कैंप लगे हुए हैं यहाँ पे, हम इसमें भी रह सकते थे लेकिन हमें डोम में रहना था। गुनीत भी कह रही थी डोम में रहना है, हम भी कह रहे थे डोम कभी नहीं रहे थे ना। हाँ तो डोम में हम रहे भी नहीं थे, टेंट में भी नहीं है। और भाई मतलब मज़ा जबरदस्त वाला मज़ा आ रहा है, मैं बता नहीं सकता आपको, इसलिए मैं बताएँ ब्रॉडी बनी को निकालते हैं एक बार, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है डॉग्स का। तब तक ब्रॉडी बनी को निकाल लेते हैं यार। देखो यार जगह देखो गाइस, ऐह वाली जगह है, रुक जाओ। अरे हमारी सांसें अटकी पड़ी हैं, आप क्या आएंगे मेरी तनी, ये जंपी मारी बॉडी ने। वो गुड बॉय है, दैट इज अ गुड बॉय, योर फ्रेंड। थोड़ी देर खड़े रहो, लेके वो अपने आप पे चले जाएंगे। बस आप क्या होगे, आपको हम बंद कर देंगे। नो अरे नहीं आएंगे, छोड़ दे। नहीं, इतने सारे नो ब्रॉडी बस, नो मम्मा ब्रॉडी नहीं, ब्रॉडी नो नो ब्रॉडी नो बनी नो आप। अरे नहीं कह रहे, कुछ मत डरो यार, कुछ नहीं हो, आपस में लड़ने हो। ब्रॉडी नो, ओए तू तो नो ब्रॉडी, क्या ऐसे बनी, क्या हुआ उसका भाई चीख रहा है ना। नहीं, तू क्यों घबरा रही है, छोड़ डंडा। नहीं खड़ा है, डंडा छोड़ दे। नो ब्रॉडी मैं मारूंगा, देख गंदी बात, सी नो 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 नो, गुड बॉय। इसको क्या हुआ है, यही रहते हैं वो, यही रहते हैं सारे, ये सारे हैं आर्मी वालों के हैं, वैसे यही एरिया में रहते हैं ना, तो मतलब हमारा जीना आराम। ये पूरा रास्ता यही बोलते आ रहे थे, थोड़ी देर जब डॉग्स भौंके ना तो वहीं खड़े रहो, थोड़ी देर तक अपने आप चुप हो जाते हैं, भौंके आदत हो जाती है, यूज टू हो जाते हैं। अरे चलो, अरे बनी के पैर ना फंस जाए, ऊपर चलो, हाय कांप रहा है वो, गाड़ी वो देख, मेरा बेटा है वो, चढ़ यार। गुनीत कह रही है एक बार टेंट भी देखने उसको, थोड़ा वो हाइट पे है ना इसलिए थोड़ा वो हो रहा है, टेंट ऐसे होंगे, बताओ व्हाट इज बेटर, डोम दोनों अच्छे हैं, दोनों की अपनी अपनी गुनीत, टेंट सर वो ऐसे ही होते हैं, आपको वो फाइव स्टार होटल का रूम थोड़ी मिलेगा, तो मैंने कहा पर अच्छे लग रहे हैं, टेंट भी अच्छे लग रहे हैं बिल्कुल, लेकिन उसमें मुझे ज्यादा मजा आ रहा है, उसमें ज्यादा मजा आ रहा है मुझे डोम में। हाँ सो गाइस अब आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये बाहर का कुछ ऐसा व्यू है, अब मैं आपको अंदर लेके जाऊंगा, अंदर से दिखाऊंगा, ये स्टेयर्स है, यहाँ से चढ़ के ब्रॉडी बनी सतिंदर गुनीत सब अंदर चले गए, तो अब मैं कटकाता हूँ। हेलो कोई है, हाँ? दिखाओ फिर डोम अंदर से कैसा दिखता है, ये गुनीत जी हमें दिखा रही हैं, गुनीत जी प्लीज दिखाओ कैसा दिखता है। वेलकम टू आवर डोम, यस डोर बंद कर लो पहले ताकि ब्रॉडी बनी भाग ना जाए, ये लॉक ही कर लो, कुछ नहीं होता, नहीं जाएंगे छोड़ दो, होता नहीं ना। सो गाइस ये देखो दिखाओ जी, ये देखो ये टेबल है, सबसे पहले इसमें चार
चेयर्स हैं, स्टूल्स हैं, बैठ सकते हैं, चार स्टूल्स हैं ऐसे, इसमें बैठ सकते हैं। मैं तो यहाँ बैठ, और यहाँ बैठ के आप चाय पियो, कॉफी पियो, और बाहर जो मस्त वाला बाहर का नजारा है वो नजारे लो। हाँ जी, और ब्रॉडी ना अभी ऐसे, आप कैमरा लेने गए थे ना, तो ब्रॉडी ऐसे कूद के आ रहा था, फंस गया बीच में। लग गई होगी उसको, थोड़ा सा इधर कर देंगे इसको, ब्रॉडी फंस गया था, फिर ब्रॉडी मोटू है ना। और उसके बाद गाइस ये है हमारा प्यारा सा बेड, जो कि गुनीत कह रही है कि मैं कहाँ सोऊंगी, तो एक्स्ट्रा बेड लग जाएगा, तो गुनीत के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा बेड लग जाएगा। अरे मम्मा पापा का बेड और बनी का बेड। हाँ, मम्मा पापा बनी और ब्रॉडी और बनी तो कहीं भी, पूरा रूम ही उनका है। वैसे उन्होंने भी है गरम, मतलब नॉर्मल जो चीजें एक रूम में होती हैं होटल रूम में वो सब है इसमें। और गाइस आप सब लोग सोच रहे होंगे इसमें वॉशरूम कहाँ है, इसमें वॉशरूम भी है, दिखाता हूँ मैं आपको अभी, गुनीत दिखाएगी। अजीब है इसका वैसे तो, अजीब ये डोम है ना गाइस, डोम में रहने का एक एक मान लो जो टेंट है ना, टेंट को आप थोड़ा सा लग्जूरियस कर दो, हाँ, तो वो डोम हो जाता है, डोम राउंड शेप में, जैसे आपको बाहर से दिखाया मैंने। चलो गुनीत दिखाओ वॉशरूम, यहाँ भी टेबल है, ये प्यारी सी लाइट यहाँ लगी हुई है, और ये देखो ऊपर बेड के ऊपर, बेड कितना यूनिक सा ना, अलग सा, बहुत प्यारा मस्त। चलो और देखो हम अगर हटाएंगे तो हमारा आएगा, अगर हटाएंगे तो ये आएगा हमारा वॉशरूम। वाओ, ये है बेडिंग एरिया, यहाँ पे आप नहा सकते हो, जो कि मुझे लगता नहीं हम कोई नहाने वाले, इन दोनों में से किसी ने किराया होगा, ब्रॉडी ने किराया होगा। ये है आप अपना जो भी खाया पिया वो निकालने के लिए, ये है धोने के लिए, वॉश बेसिन टांगने के लिए, जैकेट्स वगैरह टांगने के लिए। और गाइस मुझे तो ये लग रहा है कि बाल्टी का पानी पी रहा है, ओहो पानी बनी है ले वाटर। तो गाइस ये है हमारा प्यारा सा डोम, जो कि अंदर से ऐसा दिखता है और ऊपर से देखो ऐसा दिखता है, हीटर यहाँ पे है, और ये बेड भी है ना जो हीटर वाले हैं, अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, यहाँ पे स्नो पड़ती है, तो उस टाइम पे बहुत जरूरत पड़ती है। और सबसे अच्छी बात है मेरे को लगता है ब्रॉडी बनी यहाँ से अपने आप जाएंगे ही नहीं, अगर दरवाजा खोल भी देंगे तो, एक बार देखते हैं। स्टोरेज भी है उसमें, एक्स्ट्रा रजाई वगैरह सब है। अरे वाह, वेरी नाइस, नहीं जाएंगे, देखते हैं ब्रॉडी बनी जाते हैं नीचे के नहीं, लेकिन रुको मैं पकड़ के रखने दो उसको, रुको मैं इंग्लिश लगा देता हूँ उसको, खोलो खोलो खोलो, जा रहा है तो जा रहा है, चला जाएगा ये, हम ऐसे जा सकते हैं स्नो तक अगर हम चाहें तो। बेटा यहाँ से लग रही है, वहाँ पे स्नो है पूरी बादलों के ऊपर, उधर है, उधर है, उधर जा सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा लेकिन जा सकते हैं। यहाँ पे स्टीम सारी जमी हुई है, देखो हमने गाइस, हमने गाइस यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है थोड़ी सी, जरा सा भी चल रहे है ना, चढ़ रहे ये हो रहा है, जो भी हो रहा है, आवाज चेंज हो रही है, और ब्रॉडी बनी को गाइस ऊपर चढ़ाना इतना मुश्किल हो रहा है, बनी ब्रॉडी हमने ना अभी डर रहा है। हमने अभी डोम चेंज किया, उसमें थोड़ी सी पेंट की स्मेल आ रही थी, शायद उसमें काम कराया होगा, तो इसमें नहीं है स्मेल, तो जबकि व्यू उसका ज्यादा अच्छा, ब्रॉडी बहुत ज्यादा डर रहा है, नहीं दोनों का व्यू अच्छा है, इसका भी अच्छा है, इसका देख हाँ, सामने ग्रीनरी, पार्किंग पास है, पार्किंग पास है, क्योंकि यहाँ पे जाना आना ना बहुत मुश्किल हो रहा है, चढ़ना ऊपर ये वो, ऊपर से सांस चढ़ रहा है, सांस चढ़ रहा है, ये रूम साफ है उससे। कमेंट्स करके बताना गाइस आपको कैसा लगा मो, अभी हम मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। गुनीत आपको मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है, हीटर चला दिया गुनीत, गर्मी लग रही है, क्या हो गया आपको, आप लोग चढ़ के आए हो ना, हाँ फिर भी हीटर में चलाओ ज्यादा गर्म हो जाएगा, ये गुनीत ये उसके लिए होता है, देखो गाइस ये हीटर की वायर जा रही है, ये पता है किसके लिए होता है, ये होता है बहुत ज्यादा ठंड स्नो माइनस टेम्परेचर के लिए, अभी नहीं चाहिए, तो करके लेके रहने लेके जाना उनको, मैंने भी अभी चढ़ाया क्यों फिर ऊपर, चढ़ाया था चढ़ा के देखने के लिए, तो अभी एक घंटे तक लेके जाना ना, बार बार ऊपर नीचे, हाँ, कराते रहोगे क्या, उतार दे इनको खाना देना पहले यार, भूखे बेचारे, पुनीत कल इसमें करें लिविंग इन अ डोम फॉर 24 आवर्स चैलेंज, नहीं हमें ट्रैकिंग के लिए जाना, आप बोल रहे थे ऊपर जाना, वैसे भी लिविंग क्या रह रहे हैं डोम में। अच्छा, देखो गाइस पता क्या हुआ, अभी हमने ना उस वाले होटल में ना ब्रॉडी बनी का खाना ना टेबल के ऊपर रखा हुआ था, तो बनी आके ना यहाँ पे खड़ा होके ना इसका भौंक रहा है, बहु बहु कर रहा है, टेबल पे खाना होगा मेरे को दे दो, दोनों बच्चे अच्छा। दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं, क्योंकि हम ना इनको हमारे तीनों बच्चे भौंक रहे हैं, तीनों बच्चे भौंक रहे हैं, तीनों बच्चे भूखे हैं, और गुनीत के लिए हनी चिली पिटाटो आ रहे हैं, बोल रहा था हनी चिली पिटाटो आ रहे हैं गुनीत के लिए, बहुत भूख लगी है इसको भी, अभी मंगा रहे हैं गुनीत बस, ठीक है, और आप अपनी वॉच दो,
हाँ दे रहा हूँ, ठीक है अभी देखते हैं। अबे यार पंगा ये है, इनको उतारेंगे कैसे, अब ये उतर ही नहीं पाएंगे नीचे। बनी को तो उठा के लेके, बनी को तो चल मैं ले जाऊंगा, ब्रॉडी बहुत डर रहा है, मैं इनको पहले प्रैक्टिस करवाता हूँ उतरने की। सो गाइस पहले ना मैं ब्रॉडी को उतारता हूँ, दोनों एक साथ उतारना बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे सिर्फ जियो का नेटवर्क आ रहा है और कोई नेटवर्क नहीं आ रहा। ब्रॉडी वेट, ब्रॉडी उतर पाएगा नहीं उतर पाएगा कुछ नहीं पता, ब्रॉडी कहाँ से उतरेगा। चल अब चलो उतरो, चलो 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 चलो, धीरे धीरे उतरो, धीरे धीरे, गुड बॉय, चलो चलो धीरे 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 उतरो। बे आजा ब्रॉडी यार, आजा आजा आजा, पापा छाते पापा छाते, आजा आजा, गुड बॉय गुड बॉय, अच्छा उतरो उतरो उतरो, गुड बॉय, उतरो उतरो उतरो, गुड बॉय। देखो गाइस कैसे उतर रहा है, आराम से आराम से, डर लग रहा है उसको बहुत। ओ ब्रॉडी स्लिप हो रहा है उसका पैर, ब्रॉडी उतर गया, बनी को लेके आता हूँ मैं। ब्रॉडी को यहाँ बांध देते हैं, यहाँ पे ना डॉग्स बहुत सारे हैं तो डॉग्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे देखो बॉनफायर है, ये लोकेशन इतनी मस्त है ना मैं क्या बताऊँ आपको। गाइस ये जो पक्के डॉग लवर होते हैं ना हमारी तरह, वही कर सकते हैं ये। ब्रॉडी बनी के साथ ट्रैवल करना, ऐसी सीढ़ियों पर चढ़ाना, ऐसी जगह पर रहना, सब कुछ मैंने, लेकिन ब्रॉडी बनी ना हमारा बहुत साथ दे रहे हैं, बातें मान रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, सब कुछ बहुत। इन्होंने ना नौ दस घंटे लगे हैं अभी आने में हमें, हाँ 10 घंटे लगे हैं नारकंडा से चितकुल आने में। ब्रॉडी बनी आराम से बैठ के 2-4 बार हम रुके हैं, वैसे 6 घंटे का रास्ता है ऑन मैप अगर आप देखो तो, ऑक्सीजन की वजह से ना। अभी स्पीति जाएंगे और सांस चढ़ेगा लग रहा है, लेकिन गुनीत भी बहुत इन्जॉय कर रही है, मुझे लग रहा था बच्चे इन्जॉय करेंगे गुनीत, लेकिन मैंने हर बार देखा है गुनीत बहुत इन्जॉय करती है। और वो देखो भाई स्नो वाले पहाड़, वो देखो वहाँ स्नो है, इधर भी स्नो है, उधर भी स्नो है, वो देखो, और इधर बहुत सारी स्नो है। बनी को लेके आता हूँ कार्टून को, ब्रॉडी वेट आ रहा हूँ मैं। बनी को ठंड लगेगी, बनी को स्वेटर पहना देते हैं, या अभी इसके बाद ना, अभी घुमाने के बाद स्वेटर पहना दूंगा उसको। चलो चलो, बनी भी डर रहा है अब, बनी को कैसे उतारे। चलो बनी चलो, उतरो उतरो उतरो, धीरे धीरे उतरो, धीरे धीरे उतरो, ऐसे इसको ज़बरदस्ती थोड़ा करनी पड़ेगी, फिर उतरने लग जाएंगे। गुड बॉय गुड बॉय, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गुड बॉय। दोनों कहाँ पर हैं डर के मारे, आजा आजा आजा, कोई छुट, पैर फंस गया उसका, उठा के लेके जाता हूँ इसको। आजा मेरा बाबू, पापा उठा के नहीं लेके जा रहे थे हैं, बनी का पैर फंस गया था यार, इसको उठा के लेके जाएंगे, पेट भर गया ना मस्ती करने लगा हुआ है। वो देखो वो देखो ब्रॉडी का, मस्ती आ रही है, मस्ती आ रही है, मस्ती आ रही है। कहाँ जाना बताओ गुनीत, कितना अच्छा है ना, और पहाड़ों के ऊपर ना अभी तक धूप है, पता है इसमें नहीं आ रही कैमरा में, पर वैसे है, इतना अच्छा लग रहा है, एक बार आना चाहिए यार यहाँ पे। उधर पहाड़ के ऊपर धूप है, बनी के पैर देखना जरा, क्या हो गया गुनीत, ये हाइट छोटी हो जाएगी, ये हाइट छोटी है। को गाइस वॉक करा के उठा के, हाँ दिखाइए दिखाइए कितना प्यारा लग रहा है। ओए मेरा चोना बाबू, ओए मेरा चोना बाबू, वो आ गए उसके हनी चिली पोटैटो। ब्रॉडी कह रहा होगा काश मुझे भी कोई उठा सकता, तेरे को उठा लेता बच्चे, लेकिन मेरे ना हाथ में बड़ी दर्द हो रही है लेफ्ट वाले में, वो यहाँ पे ट्रिप पे आने के बाद थोड़ा सा बढ़ गई है, जितना देख रहा हूँ ना उतना ही, मतलब मन भर ही नहीं रहा है सब चीज़ों से। ऐह वाला मज़ा आ रहा है, पहले ये भैया नीचे आ जाए फिर मैं इसको चढ़ाऊँगा ऊपर। गाइस ये है जो ये डोम का जो रेंट है ना, वैसे तो ज़्यादा है, अराउंड 8-9 thousand है, लेकिन मेरे को 6,000 पर डे करके दिया है विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो मैंने उनको बोल दिया था कि भाई ऐसे ऐसे है, व्लॉग है, मैं आपका नाम ले दूंगा व्लॉग में, ये है वो है, तो थोड़ा सा उन्होंने डिस्काउंट दे दिया था, और ब्रॉडी बनी को चार्जेस थे उनके, उन्होंने फ्री कर दिए ब्रॉडी बनी के, बाकी आप लोग आते हो तो 8-9 thousand का आपको पड़ेगा। मस्त है आप, टेंट भी, टेंट का मुझे प्राइस पता नहीं है, टेंट का भी मैं रेट पता करके आपको कल बता दूंगा। और यहाँ पे जब भी ऐसी जगह पे आओ ब्रेकफास्ट डिनर जरूर लेना, डिनर तो जरूर लेना, क्योंकि रात को तो आप कहीं निकल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, आपको अपने रूम के अंदर ही रहना पड़ता है। अभी तो हमने और आगे जाना है गाइस, आगे कल हमने इसके बाद जाना है नाको, नाको जाना है। अब पहले हम सीधा काजा जा रहे थे, लेकिन काजा बहुत लंबा हो जाता और 15-16 घंटे लग जाते हमें जाने, ड्राइव का भी इतना मज़ा आ रहा है गाइस मैं क्या बताऊँ आपको। नाको के बाद काजा जाएंगे, काजा के बहुत लंबा ट्रिप है, अभी देखते जाओ, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम होगा जो डॉग के साथ इतना लंबा ट्रिप कोई कर रहा है, वो भी 2 डॉग के साथ, और वो भी एक एक डिटेल में ब्लॉग बन रहे हैं गाइस आप लोगों के लिए। ब्रॉडी यही है वो जगह, यही है वो खतरनाक जगह, चला ब्रॉडी ऊपर चलो, धीरे धीरे आजा बाबू, धीरे 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 धीरे, गुड बॉय, आजा आजा, गुड बॉय, आजा 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 आजा, अबे तेरी ऐसी की ब्रॉडी खींच रहा है यार, इसको भी उठा के चढ़ाना पड़ेगा लग रहा है। आ जाओ
हिम्मत करो। जब ऊपर चढ़ जाता है ना तो उसको डर लगता है। हाँ चलो 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 आजा ना बाबू, आजा 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 बोधी। चलो आ गया अब तो, आ गया अब तो, आ गया अब तो, चढ़ गया। ये गुड बॉय। कैसे गुरीत है? अच्छे आपका नेट चल रहा है क्या? अरे वाह गाइस, यहाँ पे जियो का नेटवर्क आ रहा है जैसे मैंने बताया आपको। जियो का आ रहा है, एयरटेल का नहीं आ रहा। हाँ जियो का आ रहा है, मेरे पास दोनों है, ई सिम है जियो की और एयरटेल की सिम है। कोई ना कोई काम कर ही जाता है। वोडाफोन सतेंद्र का यहाँ पे नेटवर्क नहीं चल रहा है। सतेंद्र का मोस्टली मोस्टली चलता ही नहीं है कहीं पे भी जाते हैं। अब मैं हनी चिली पोटैटो खा रहा हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर रहा हूँ। अब जब से रेस्ट नहीं कर रहा, यही भागा दौड़ी हो रही है बहुत ज़्यादा। बहुत मेहनत कर रहे हैं और गाइस मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ से बैठ के क्या लग रहा है गुनीत, देखो क्या शॉट आ रहा है यार। हाय मेरा बाबू। गाइस देखो गुनीत यहाँ सो गई है और गुनीत का एक्स्ट्रा बेड यहाँ लग गया है। मज़ा आ रहा है ना वैसे? अच्छा लग रहा है, घर घर जैसा, मतलब जैसे घर घर खेलते हो ना वैसा लग रहा है। मज़ा आ रहा है बड़ा। और देखो सारे रिलैक्स हो गए हैं, तीनों बच्चे सो गए हैं आराम से, हमें भी नींद आ रही है। अब डिनर आने वाला है हमारा, आ रहा है मुझे इसने नींद आ रही इसने है। हनी हाँ मुझे भी आ रही है, जल्दी सो जाएंगे आज। सुबह उठेंगे, सुबह का मजा लेंगे यहाँ का। सुबह वैसे ही यहाँ जल्दी हो जाती है, 5:30 बजे देखना यहाँ पे पूरा वो। वहाँ तू सोएगी फिर? मैं सो जाऊंगी वहाँ, तू सोचियो मैं यहाँ सो जाऊंगा। इधर मैं अभी अपना काम रॉडी बनी आपके साथ घुसते हैं ना, आप ही सो जाने इधर। हाँ यहाँ पे नेट का बड़ा चक्कर है, वाईफाई नहीं आ रहा। जो जियो का नेटवर्क आ रहा है ना उसी पे अपलोड स्पीड बहुत कम आ रही है, डाउनलोड बहुत अच्छी आ रही है लेकिन अपलोड बहुत कम आ रही है। तो पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, कुछ अपलोड नहीं हो पा रहा यहाँ पे। तो गाइस डिनर आ गया है, इतना इतना सारा उनको लग रहा है जैसे हम हुए हैं। 5-star होटल से ना खाना ज़्यादा अच्छा ये लगता है, सिंपल खाना घर जैसा। मैं तो रोटी खाऊंगा, चावल थोड़े से, हाय भूख लग रही बड़ी तेज चलती है ना, लग रही है ये तो। गुनीत रोटी खानी है, थोड़े से राइस और दाल खा लो मेरा बच्चा, खड़ा हो। और कुछ खेलेंगे अभी, ठीक है? खेलोगे पापा साथ? चलो खेलेंगे आओ। मैं गाइस काम कर रहा हूँ अपना, और खाना ना है वाला घर का खाना, मज़ा आ गया। सो गाइस खाना हो गया है, गुनीत वीडियो देख रही है, सतेंद्र अभी खाना खा रही है और मैंने खाना खा लिया, बहुत टेस्टी था, घर का खाना था। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। मॉर्निंग में यहाँ पे हमने एक दो चीज़ें, एक दो जगह पे जाना है तो वो अभी डिसाइड करेंगे कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में, फटाफट मैं एडिट करूँ, मैं सोऊँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। रॉडी बनी सही है, इनको कोई टेंशन नहीं, ना एडिट करना है ना कुछ करना है ना कुछ करना है, अपना आराम तो सोते रहते हैं, बस घूमने आ गए हैं ये मुँह उठा के। मिलते हैं आपसे कल, और गुनीत सो के उठ गई अभी, मेरी रात 12-1 बजे तक मेरा दिमाग खाती रहेगी, पापा ये खेलो वो खेलो, इसने तो अपनी तो नींद पूरी कर ली है, अब मेरी ऐसे ही करेगी। बाय गाइस, बाय, सी यू tomorrow।